हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे अर्बन सेटलमेंट की बात करते हैं। जिस तरह से हमने देखा रूरल सेटलमेंट 4 टाइप का होता है, उस तरह से अर्बन सेटलमेंट थोड़ा सा उससे अलग होता है। अर्बन सेटलमेंट आर जनरली कॉम्पैक्ट एंड लार्ज इन साइज, जो सिटीज़ के अंदर मकान होते हैं वो पास पास से बसे हुए होते हैं और बड़े होते हैं उसके अंदर, ठीक है। ये अनेक आप कह सकते हो डिफरेंट टाइप की नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अंदर इसमें जुड़े हुए होते हैं। मोस्टली यहाँ पे जो काम होते हैं वो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में होते हैं। इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस यहाँ पे किए जाते हैं। और अगर हम इनको बात करें तो अच्छी तरह से ये, जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये रूरल एरिया से भी लिंक होते हैं, वेल कनेक्टेड मिलते हैं हमें। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परफॉर्म्ड समटाइम डायरेक्टली एंड समटाइम्स थ्रू अ सीरीज ऑफ मार्केट्स, टाउन एंड सिटीज़। सिटीज़ आर कनेक्टेड डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली विद द विलेज एज एंड ऑल्सो विद ईच अदर। किसी न किसी तरीके से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से ये गाँव से जुड़े हुए होते हैं और आपस में जुड़ के ही शहर जो है वो बनते हैं। अब इवोल्यूशन कैसे हुआ सिटीज़ का अगर बात करते हैं, तो पुराने प्री हिस्टोरिक टाइम की अगर बात करें इंडिया के, तो इंदस वैली के टाइम सिविलाइजेशन था हमारे यहाँ पे, हमको पता है हरप्पा और मोहनजोदड़ो वहाँ पे दोनों जो बड़े सिटीज़ के नाम हम पढ़ते हैं उस समय मौजूद थे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो धीरे धीरे जैसे जैसे आगे टाइम पड़ता रहा यूरोपियन टाइम तक इंडिया के अंदर 18th सेंचुरी तक ये क्या हुआ, जो सिटीज़ का डेवलपमेंट होता रहा। यूरोपियंस के आने के बाद भी और नई सिटीज़ बनना, जो मॉडर्न सिटीज़ है वो यूरोपियंस के आने के बाद सिटीज़ बढ़ी। तो हम इसको हम तीन टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। ये मोस्टली क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि हम कैसे ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन इन डिफरेंट पीरियड इंडियन टाउन में बी क्लासिफाइड। ये क्वेश्चन आता है किस तरह से इसको क्लासीफाई किया जाता है पीरियड के अकॉर्डिंग या एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो एशियन टाउन्स, मिडिल टाउन्स एंड मॉडर्न टाउन्स के अंदर इसको डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। एशियन टाउन्स कौन से हैं, ये काफ़ी पुराने टाउन्स होते हैं जो लगभग 2000 साल से ज़्यादा पुराने टाइम हैं से ये बने हुए सिटीज़ हैं। तो ऐसे जो टाउन होते थे वो रिलीजियस एक्टिविटी के कारण या कल्चर एक्टिविटी के कारण वहाँ पे बने हुए थे। इसमें जैसे हम मेन कह सकते हैं वाराणसी हैं, प्रयाग हमारा इलाहाबाद जो है, पाटलिपुत्र पटना और मदुरई जो है, ऐसे टाउन्स के अंदर आते हैं। मेडिवल टाउन को हम बात कर सकते हैं, ये लगभग 100 के आसपास सिटीज़ हमारे को देखने को मिलती हैं। और मोस्टली जो ये डेवलप हुए थे वो जो किंगडम्स थे, जो रजवाड़े थे हमारे राजा महाराजा थे, जो किंगडम्स थे उनके हेडक्वार्टर्स कह सकते हो, उनकी राजधानी कह सकते हो, उनकी कैपिटल कह सकते हो आप, ठीक है। और ये मोस्टली फोर्ट टाउन्स जहाँ पे किले मिलते हैं, फोर्ट टाउन्स हैं, किले के जो फोर्ट मिलते हैं, किला जिसको अपने कहते हैं, तो वो वहाँ पे मिलते हैं। तो ऐसे सारे सिटीज़ आपको जहाँ पे किला मिलता है या फोर्ट अवेलेबल होता है, जैसे दिल्ली है, हैदराबाद है, जयपुर है, लखनऊ है, आगरा है, नागपुर है, जोधपुर, जयपुर, ये सब चीज़ें हैं वो आपको आप देख सकते हो, ये मेडिवल टाउन के अंदर आएंगे। मॉडर्न टाउन की अगर हम बात करते हैं तो वो ब्रिटिश टाइम के अंदर स्टार्ट हुए, यूरोपियन जब हमारे यहाँ पे आए तब ये डेवलप हुए थे। ये मोस्टली इन्होंने बिजनेस या ट्रेड करने के लिए इन टाउन्स को डेवलप किया था, जैसे सूरत है, दमन दीव है, गोवा, पौडुचेरी वगैरह, ये उन्होंने डेवलप किया। बाद में जब इनके पास पोर्ट्स आ गए ब्रिटिशर्स के पास में, तो इन्होंने मुंबई, चेन्नई, मद्रास, ठीक है, और कोलकाता वगैरह, इनको ब्रिटिश स्टाइल में डेवलप करना स्टार्ट किया था। धीरे धीरे ये टाउन एक्सटेंड होते गए और डोमिनेशन करते गए अपना डोमिनेट, और प्रिंसली जो स्टेट थी उनकी कैपिटल बन गए थे। उसके बाद ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स बने और खूब सारे ब्रिटिशर्स हिल टाउन भी बनाए इन्होंने, जो समर रिसोर्स के रूप में डेवलप हुए और नए चीज़ों को यूज़ करना स्टार्ट किया उन्होंने, नए नए काम करने स्टार्ट किए, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के स्टार्ट किए, मिलिट्री एरिया के लिए उनको काम में लिया जाने लगा, और मॉडर्न इंडस्ट्रीज के अकॉर्डिंग कई टाउन बने। जैसे 1850 में जमशेदपुर जो है वो इंडस्ट्री की वजह से फेमस होना स्टार्ट हुआ, टाउन डेवलप हुआ। तो इन टाउन्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। इंडिपेंडेंट होने के बाद इंडिया की अगर बात करते हैं तो बहुत सी अलग अलग टाउन्स डेवलप हुए, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स के रूप में चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर, दिसपुर वगैरह, ये जो कैपिटल्स बनी जहां से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी की जाती थी, इसलिए वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर कहा गया। कुछ इंडस्ट्रियल टाउन्स बने, इंडस्ट्रियल सेंटर्स बन गए, जैसे दुर्गापुर है, भिलाई है, सिंदरी है,
बरौनी है, यहाँ सब क्या हुआ है, ये फैक्ट्रीज लगी यहाँ पे, इंडस्ट्रीज लगी, इसलिए टाउन फेमस हो गए। कुछ सेटेलाइट टाउन बने जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के आसपास में जो टाउन थे, जैसे गाज़ियाबाद, रोहतक, गुड़गांव इत्यादि, ये जो टाउन थे हमारे, ये क्या हुए, ये सारे दिल्ली के चारों तरफ डेवलप हो गए और सेटेलाइट टाउन के रूप में डेवलप होना स्टार्ट हो गए। तो इस तरह से ये टाउन्स हमारे डेवलप हुए। अब अर्बनाइजेशन इन इंडिया की बात अगर हम करते हैं कि कितनी पॉपुलेशन हमारी शहरों में रहती है, तो हम उसकी बात करें तो 2011 के सेंसस से हमें सामने आया कि 31.16% जो है, ठीक है, अर्बनाइजेशन था इंडिया के अंदर। टोटल अर्बन पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे लगभग क्या कह सकते हैं हम कि 20th सेंचुरी के अंदर 11 गुना बढ़ गई, 11-folded हो गई है, ठीक है, 11 गुना जो है पॉपुलेशन जो बढ़ गई यहाँ पे सिटीज़ के अंदर। और इमरजेंस ऑफ द न्यू टाउन हैज़ प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल ऑन द ग्रोथ ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। जैसे जैसे नए टाउन बने, पॉपुलेशन ग्रोथ होने लगी, अर्बनाइजेशन बढ़ने लगा, तो सिटीज़ हमारी यहाँ पे ग्रो होने लगी। और ये अर्बनाइजेशन की जो ग्रो रेट है, ठीक है, तेज़ से, लेकिन अब पिछले कुछ सालों से ये थोड़ा सा स्लो ज़रूर दिखती है, हमें नज़र आई है, स्लो होना शुरू हुई है। अब इसका क्लासिफिकेशन कर दें हम टाउन्स का, देखते हैं कि बेसिस ऑफ पॉपुलेशन के साइज़ के अकॉर्डिंग अगर हम टाउन को बांटें तो हम इसको 6 टाइप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखते हैं टेबल 4.2 अगर हम देखें तो उसमें जो क्लास 1 जो टाउन है, ठीक है, अगर हम इसको देखते हैं तो 100,000 से ज़्यादा जितने में पॉपुलेशन है, ठीक है, और उसको हमने क्लास 1 सिटी कहा उसके अंदर, और 10-50 lakhs के बीच में जो सिटीज़ हैं उनको हम क्या कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ कहते हैं, 10-50 सिटीज़ के अंदर जो बात करते हैं हम। और मोर देन 5 million, दैट मीन्स 50 lakhs से ऊपर जो सिटीज़ हैं वो हमारी हो जाएगी मेगा सिटीज़। और मेजोरिटी ऑफ द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ एंड मेगा सिटीज़, जब जहाँ पे ये मेगा सिटी और मेट्रोपॉलिटन सिटी मिल जाती है, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, अर्बन एग्लोमरेशन कहा जाता है। अब अर्बन एग्लोमरेशन कैसे होता है ये अगर हम बात करें तो ये इसके 3 कॉम्बिनेशन बनते हैं जिसके थ्रू अर्बन एग्लोमरेशन स्टार्ट होता है। उसमें यह होता है कि एक आपका जो है फर्स्ट टाउन है एंड इट्स एडजॉइनिंग अर्बन आउटग्रोथ, दैट मीन्स एक सिटी और उसके साथ जो दूसरी सिटीज़ मिलती है उसका डेवलपमेंट होना, वो बढ़ जाना उसके अंदर। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये क्या है, दूसरा ऑप्शन ये है कि जो 2 or more कंटिजियस टाउन विद द विदाउट देयर आउटग्रोथ, 2 या 2 से अधिक जो सिटीज़ हैं वो आपस में किसी तरह से डेवलप होके मिल जाए। और थर्ड ऑप्शन हमारे पास अ सिटी और एंड 1 and more एडजॉइनिंग टाउन विद देयर आउटवर्स टुगेदर फॉर्मिंग द कंडीशन, दैट मीन्स कहने का मतलब ये है, आप ये कह सकते हो कि किसी भी तरीके से होए एक सिटी अपना डेवलपमेंट कर ले, 2 सिटी आपस में मिल जाए या ए 2 से ज़्यादा सिटी आपस में मिल जाए, ये सारे मिलके अगर अपने जो आउटग्रोथ है उसके साथ में मिल जाती है तो हम इसको क्या कहते हैं, वो अर्बन एग्लोमरेशन है, यानी कि 2-1 से ज़्यादा सिटीज़ आपस में मिल गई वो अर्बन एग्लोमरेशन में चेंज हो जाती है। अब जैसे दिल्ली है, दिल्ली उसके पास गुड़गांव, अभी हम बात कर रहे थे दिल्ली के पास रोहतक है, जैसे गुड़गांव है, गाज़ियाबाद है, नोएडा है, फरीदाबाद है, बहादुरगढ़ है, ये छोटे छोटे, सोनीपत है, ये छोटे छोटे चीज़ें थी, ठीक है, पहले ये अलग अलग होता था, इनके बीच में गैप था। अगर आज हम जाके देखते हैं, आज 20 साल बाद, हम 20 साल पहले की बात करते हैं, इनमें गैप था, आज 20 साल बाद हम इसको देखते हैं तो ये गैप ख़त्म हो गया है, ये नहीं पता लगता कहाँ पे दिल्ली ख़त्म है, कहाँ गाज़ियाबाद शुरू है, कहाँ सोनीपत है, कहाँ फरीदाबाद है, कहाँ बहादुरगढ़ है, लगता है पूरी सिटी कंटिन्यू एक ही चली जा रही है वहीं पर। तो इसको हम कह सकते हैं अर्बन एग्लोमरेशन, यानी कि 1 से ज़्यादा सिटी किसी भी तरीके से मिल के आपस में एक अर्बन एग्लोमरेशन बना देती है वहाँ पर, ठीक है। अब टेबल 4.2 की हम बात करते हैं, थोड़ा सा इसको देख लेंगे, 4.2 इंपॉर्टेंट टेबल है, कई बार क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन 1 mark क्वेश्चन इसमें से आते हैं। नंबर ऑफ क्लासेस इसके अंदर 6 class के अंदर इसको हमने डिवाइड किया है। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सिटीज़ कौन सी क्लास की अगर हम ये देखते हैं तो वो है टाइप 5th class की, जिसमें 5,000 से 9,999 यानी 9,999 पीपल हैं। इस साइज़ के जो लोग हैं उसके अंदर उसकी 17,749
नंबर सिटीज़ हैं हमारे पास कंट्री के अंदर। और अगर क्लास सिक्स की बात करें तो उसमें 424 है जो लेस देन 5000 पॉपुलेशन के हैं, तो वो सबसे कम सिटीज़ हैं। जबकि नंबर फिफ्थ सबसे बड़ी सिटीज़ के सबसे ज़्यादा सिटीज़ नंबर फिफ्थ क्लास की है। और टोटल पॉपुलेशन की बात करें अगर हम कि अर्बन पॉपुलेशन कहाँ पे सबसे ज़्यादा रह रही है, तो क्लास वन के अंदर रह रही है और सबसे कम क्लास सिक्स के अंदर रह रही है। परसेंटेज ऑफ टोटल अर्बन पॉपुलेशन का भी हम देखते हैं, क्लास वन सिटीज़ जो है 1 लाख से अधिक की जो पॉपुलेशन वाली सिटी है उनमें 60% अर्बन पॉपुलेशन रहती है और बाकी जो पॉपुलेशन है वो क्लास सिक्स के अंदर रहती है। तो इस तरीके से हम इसको अलग अलग क्वेश्चंस यहाँ पे बन जाते हैं कि नंबर ऑफ़ सिटीज़ में सबसे ज़्यादा कौन सा है अर्बन पॉपुलेशन में, टोटल नंबर ऑफ अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज ऑफ इसमें है, ये सब क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं। अब हम इसको अगर देखते हैं यहाँ पे उसी तरीके से बात कर रहे थे मेगा सिटीज़ की कि अर्बन एग्लोमरेशन हमारा बन गया टेबल 4.2 दैट मोर देन 60% अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया लाइव्स क्लास वन टाउन 468 सिटीज़ 53 सिटीज़ अर्बन आउट ऑफ 468 में से 53 सिटीज़ जो है अर्बन एग्लोमरेशंस हैं इन 468 में से और ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के साथ मिलके बनी हुई है। 6 ऑफ देम इज मेगा सिटीज़ विद द पॉपुलेशन ऑफ द 5 मिलियन ऑफ ईच और मोर देन 1/5 जो है 21% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन लिव्स इन दीज मेगा सिटीज़। इस तरह से बात करते हैं तो ग्रेटर मुंबई जो है वो सबसे बड़ा अर्बन एग्लोमरेशन है हमारे यहाँ पे, जिसमें 18.4 मिलियन पीपल रहते हैं। उसके बाद दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर एंड हैदराबाद, ये भी मेगा सिटीज़ हमारी कंट्री के अंदर हैं। अब काम करने के अकॉर्डिंग भी हम टाउन्स को डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं फंक्शन के अकॉर्डिंग। फंक्शन के अकॉर्डिंग हम उसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास काफ़ी तरह के अलग तरह के फंक्शन एक्टिव जो उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसके अकॉर्डिंग हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो एक टाउन को उसके एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग जाना जाता है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन जहाँ से एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है या कैपिटल है मोस्टली, तो चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, भोपाल, शिलोंग, गुवाहाटी, इम्फाल, श्रीनगर, गांधीनगर, जयपुर, चेन्नई, ये सब क्या हैं एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन है। वहाँ से गवर्नमेंट चलती है, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट हम कह सकते हैं और पूरी कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर यूज़ की जाती है। इंडस्ट्रियल टाउन जहाँ पे इंडस्ट्री मेन बेस्ड है, जिसके नाम से इंडस्ट्री वहाँ पे लग गई है, वो है जैसे मुंबई, सलेम, कोयम्बटूर, मोदीनगर, जमशेदपुर, हुगली, भिलाई एक्सेट्रा। ट्रांसपोर्ट सिटीज़ की बात करते हैं तो पोर्ट प्राइमरली एंगेज इन द एक्सपोर्ट, जो पोर्ट्स हैं हमारी वह ट्रांसपोर्ट सिटी है, जैसे कांडला, कोची, विशाखापट्टनम, ठीक है, कोझिकोड, ये हमारे। और इनलैंड पोर्ट की बात करें तो जो हब बने हुए हैं इनलैंड ट्रांसपोर्ट के, दैट इज़ आगरा, धुलिया, ठीक है, मुगलसराय, इटारसी, कटनी, ये हमारे इनलैंड हम कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट हब हैं। कमर्शियल टाउन जहाँ पे ट्रेड एंड कमर्स की एक्टिविटी होती है, जैसे कोलकाता, सहारनपुर वगैरह, ये है हमारे पास हैं। माइनिंग टाउन जिनमें मिनरल रिच एरिया मिल रहा है, रिच मिनरल एरियाज हैं जहाँ पे मिनरल्स मिल जाते हैं, जैसे रानीगंज, झारिया, डिगबोई, अकलेश्वर, ठीक है, सेंगरौली वगैरह, ये मिल जाएंगे। गैरिसन कंटोनमेंट टाउन जहाँ पे आर्मी बैठी हुई है या जहाँ पे कंटोनमेंट एरिया है, छावनी वहाँ पे बनी हुई है, उसको हम कहते हैं अम्बाला, जलंधरगढ़, माओ, ये सब हमारे उधमपुर वगैरह गैरिसन कंटोनमेंट टाउन के अंदर आ जाते हैं। इसी के साथ हम ये देखते हैं, एक लिस्ट हमारे पास बनी हुई है पूरी 53 सिटीज़ की जो अर्बन एग्लोमरेशन है, इसमें सबसे बड़ा अर्बन एग्लोमरेशन जो हमारे पास ग्रेटर मुंबई है और सबसे छोटा जो कोटा, जिसको हम एजुकेशनल टाउन के रूप में जानते हैं आजकल, वो बना हुआ है। फिर एजुकेशनल टाउन है हमारे पास, एजुकेशन टाउन के अंदर बात करते हैं जो सेंटर ऑफ एजुकेशन हो, जैसे कोटा की बात अभी की, रुड़की, वाराणसी, अलीगढ़, ठीक है, ये पिलानी वगैरह, ये अलाहाबाद हमारे एजुकेशनल टाउन है। रिलीजियस या कल्चर एक्टिविटीज़ जहाँ पे होती है, जैसे प्रयाग के या कुंभ का मेला लगता है, ये वाराणसी, मथुरा, अमृतसर, ठीक है, अलग अलग रिलीजन के अकॉर्डिंग हम अजमेर, पुष्कर, तिरुपति, ये सारे आप जानते हैं, हरिद्वार, उज्जैन वगैरह, ये रिलीजियस टाउन के रूप में डेवलप है इनकी एक्टिविटीज़। टूरिस्ट टाउन के रूप में जहाँ लोग घूमना पसंद करते हैं, पहाड़ों में जाना पसंद करते हैं मोस्टली, जैसे नैनीताल, मसूरी, शिमला, पंचमढ़ी, जोधपुर, जैसलमेर, ठीक है, ऊटी की बात करें, माउंट आबू की बात करें, दैट इज़ उड़क ऊटी, दैट इज़ उड़क मंडलम जिसको कहा जाता है, ये वहाँ की है।
तो इस तरह से ये फंक्शन के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया गया था टाउन्स को। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि टाउन अपने जो है उसी फंक्शन के अकॉर्डिंग काम करे, बहुत से टाउन अपने जो नाम से फेमस है उसके अलावा भी वो काम कर सकते हैं या मल्टी फंक्शनल भी हो सकते हैं, जहाँ पे कुछ टाउन ऐसे टूरिस्ट टाउन भी हो सकते हैं, फिर वो इंडस्ट्री के लिए फेमस भी हो सकते हैं, बिजनेस भी हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन भी हो सकता है, वहाँ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए भी वो फेमस हो सकता है, यानी कि मल्टी फंक्शनल टाउन भी हो सकता है, उसके अंदर हमारा काम होता है। अब इसके अंदर एक लास्ट एक जो चीज़ आई है, नया सेशन जुड़ा, दैट इज़ स्मार्ट सिटीज़ मिशन, हमने स्टार्ट किया था कुछ समय पहले, अभी स्टार्ट हुआ है नया। तो स्मार्ट सिटी मिशन क्या है, ये प्रमोट करती है ऐसी सिटीज़ को, स्मार्ट सिटी का मतलब है कि जिसमें आपको बेसिक नीड जो आपकी है, बेसिक फैसिलिटीज़ आपको मिले, साफ और एकदम क्लियर एनवायरनमेंट आपको मिल जाए, इस तरह का क्लीन एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट आपको मिले, डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले आपको, उनको स्मार्ट सिटी के रूप में कन्वर्ट करने का एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर उसका बढ़ाना, वहाँ के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करना, वहाँ की सीवेज प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर देना, उन लोगों को उनकी जो नेचुरल प्रॉब्लम्स कोई अगर है वहाँ पे तो उसको कम करना, उसको सॉल्व किया जाना वहाँ पे, और जितने भी वहाँ पे रिसोर्सेज है उनका यूज़ किया जाना उनको, और सस्ती से सस्ती चीज़ें वहाँ पे या फैसिलिटीज़ वो है उनको प्रोवाइड कराना, उनको हाइजेनिक बनाना, उनको वाईफाई जो है वो प्रोवाइड कराना, और एक मॉडर्न सिटी बनाना, और सभी तरीके से साफ और सुथरा एक तरह से मॉडल सिटी के रूप में उसको डेवलप करना, ये उनका एक आइडिया रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, तो अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट जो है हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक यू।